नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th हिंदी अंतरा भाग एक की कविता मुरली ताहूं गोपालहीन भवती के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं सूरदास। तो चलिए बिना देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कविता के ऊपर। ये जो कविता है ना, वो भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कवि जो थे हमारे सूरदास जी, उनके द्वारा लिखी गई है। ये जो कविता है, इस कविता में ना गोपियाँ कृष्ण को बहुत प्रेम करती हैं और वे चाहती हैं ना कि कृष्ण जी हमेशा उनके साथ रहें, उनसे बात करें, उनके साथ रहें। लेकिन कृष्ण जी को ना मुरली से बड़ा प्यार है। वो दिन भर मुरली बजाते हैं और उसी में लीन रहते हैं, तो गोपियों को वे भूल जाते हैं, जिससे गोपियाँ नाराज हो जाती हैं और गोपियाँ मुरली से ईर्ष्या करने लगती है। मुरली से जो इनकी मुरली है उससे जलन करने लगती है। इसलिए वो कहती हैं कि एक सखी, जो एक गोपी होती है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मुरली कृष्ण जी को इतना परेशान करती है तो भी उन्हें बांसुरी अत्याधिक प्रिय है। यानी जो मुरली है वो कृष्ण जी को परेशान करती है, लेकिन तभी उनको बड़ी प्यारी लगती है। बांसुरी श्री कृष्ण को अपने इशारों पर नचवाती है, उनको एक पांव पर खड़ा रखती है, एक पांव पे खड़ा होने के लिए मजबूर करती है, उन पर अपना पूरा अधिकार जताती है। श्री कृष्ण का सारा शरीर कोमल होता है, लेकिन फिर भी उस कोमल से अंग को अपने आज्ञा का पालन करवाती है। उसकी आज्ञा का पालन करते करते उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है। यह मुरली की चतुर कृष्ण को अपनी कृतज्ञ बना देती है, मीन्स क्या है कि अपनी गुलाम बना देती है मुरली। और वो आगे कहती है कि मुरली स्वयं तो उनके होठों पर लेटी रहती है और उनके हाथों से अपने पैर दबवाती है। अर्थात श्री कृष्ण बांसुरी के छिंद्रों पर अपने हाथ फेरते रहते हैं, मुरली बजाते रहता है। श्री कृष्ण की भौहें जो होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, नाक के नथुने फूल जाते हैं। इसे मुद्रा को देखकर गोपियों को लगता है कि ये जो बांसुरी है उन पर क्रोध कर रही है, ये सब मुरली के कारण ही हो रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों को लगता है कि ये मुरली जो है ना, वो श्री कृष्ण के क्षण भर में प्रसन्न कर लेती है और अपने इशारों पर उनको नचाती है। श्री कृष्ण को अपने पूरे शरीर को डुलाने लगते हैं, अर्थात आनंद में झूमने लगते हैं। यानी ये जो मुरली है वो श्री कृष्ण को बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, उनसे भी ज़्यादा। तो ये तो थी इस कविता की व्याख्या। अब हम समझते हैं इस कविता में साहित्यिक सौंदर्य यानी काव्य सौंदर्य कौन कौन सा प्रयोग हुआ है। तो देखो, यहाँ इसकी जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। रस की बात करें तो वो श्रृंगार रस है। इसके अलावा छंद पद है, गुण माधुर्य है, अनुप्रास अलंकार की इसमें छटा है। तो ये तो हमने पढ़ा इस पोयम की कविता की व्याख्या और इस कविता की क्या क्या विशेषता थी। अब इस पोयम की हम कुछ क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं कि इस पोयम से पेपर में क्वेश्चन आंसर कैसे पूछेगा और क्या क्या पूछेगा और उसके उत्तर हमें कैसे देने हैं। तो एक नज़र देते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये आता है कि कृष्ण को सुजान कनोड़े क्यों कहा गया है। तो देखो, सुजान का अर्थ होता है ना चतुर, चलाक, तथा कनोड़े का अर्थ होता है कृपा से दबे हुए। गोपियों के हृदय में बांसुरी के लिए सोत का भाव है और वे मानती है कि कृष्ण तो बांसुरी के हाथों बिके हुए गुलाम हैं। चाहे वे बहुत चलाक हैं, परंतु बांसुरी के सामने उनकी एक नहीं चलती है। कृष्ण बहुत चतुर हैं, पर शायद बांसुरी के द्वारा किए गए किसी एहसान के तले दबे हुए हैं। वे चाहकर भी उसका विरोध नहीं कर सकते, इसलिए गोपियों ने कृष्ण को सुजान कनोड़ कहा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है कि बांसुरी बजाते हुए कृष्ण की छवि किस प्रकार की हो जाती है। तो देखो, बांसुरी बजाते समय कृष्ण का सारा ध्यान बांसुरी की तरफ होता है। वे भूल जाते हैं कि उनके आसपास कौन है। वे नहीं चाहते कि उस समय उन्हें कोई भी परेशान करे। वे एक पांव का तिरछा कर, कमर टेढ़ी और गर्दन झुकाकर बांसुरी बजाते हैं, तो त्रिभंगी मुद्रा में होते हैं। जब गोपियाँ उनके निकट आना चाहती हैं तो बांसुरी बजाते बजाते संकेत से उन्हें दूर जाने को कहते हैं। तो ये था इसका आंसर।
तो इसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि गोपियाँ किस बात को कदापि सहन नहीं कर पाती, कौन सी बात थी जो गोपियाँ सहन नहीं कर सकती। तो इसका हमने आंसर पढ़ा था कि कृष्ण जी जब बांसुरी बजाते हैं तो उसमें मग्न हो जाते हैं, इस बात को गोपियाँ सहन नहीं कर पाती क्योंकि उस समय उनका पूरा ध्यान, कृष्ण जी का जो पूरा ध्यान होता है वो किस पे चला जाता है, वो चला जाता है बांसुरी के ऊपर, जिससे गोपियों में शोध की भावना आती है। तो दोस्तों आज की जो ये वीडियो है यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।